मोदी के ख्वाबों का भारत, वो भारत जो बांस मारता है, जहां पर शौचालय जाने के लिए भी जीएसटी कटता है। क्या ये वही भारत है जिसका सपना पीएम मोदी 7 सालों से भारत के और सीएम योगी यूपी के लोगों को दिखा रहे हैं? बात तो काशी नगरी को टोक्यो और देश के कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की भी हुई थी, लेकिन क्या स्मार्ट सिटी में इस तरह के स्मार्ट शौचालय होंगे? बिल्कुल सहमत है। शौचालय बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, जैसे पिंक शौचालय लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम खाया जा रहा है उनको सबको। अच्छा, तो अभी हम कैसरबाग स्टेशन में मौजूद हैं, यहाँ के शौचालयों की हालत मैंने देखी, तो क्या ये नहीं लगता आपको कि योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल ख्वाबों की उल्टा है, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा होगा कि शौचालयों का ये हाल होगा? सब नहीं, योगी आदित्यनाथ ने ये बात नहीं सोची है, उन्हें काम था बनवाना, उन्हें बनवाए हैं, लेकिन ये सिस्टम खाया जा रहा है, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर रहा है सिस्टम। अभी जैसे केसरबाग में ये शौचालय बना है, उसमें मतलब ये फ्री होना चाहिए, लेकिन उसमें पैसे लिए जाते हैं, कंटिन्यू सबसे लिए जाते हैं। तो ये पैसे तो सरकार ही लेती है, ये कोई अफसरान तो लेते नहीं है? अब तो शौचालय जाने के लिए कटती है, जीएसटी लगता है, ठेकेदार लेते हैं, ये ठेकेदार लेते हैं, जीएसटी तो सरकार लेती है, कहीं कोई जीएसटी लगी सरकार तो रसीद देगी। अच्छा, इन्होंने कोई रसीद आपको नहीं दी है, तो आपको लगता है कि ये शौचालय जो है इनमें साफ सफाई ठीक तरीके से होनी चाहिए? हाँ, और ये सब कुछ फ्री होना चाहिए। जहाँ पे पैसा जा रहा है वहाँ पे साफ सफाई ठीक है, ये तो मानने वाली बात है, जहाँ पे पैसा जा रहा है वहाँ पे साफ सफाई ठीक है। यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए नारा दिया, सोच ईमानदार काम दमदार, छा गई योगी सरकार। तो क्या यही है योगी सरकार के वो काम जिनके आधार पर वो एक बार फिर से यूपी में अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं? क्या इन्हीं कामों को लेकर योगी जनता के पास जाएंगे? ये बात सच है कि किसी भी योजना को बनाने का काम सरकार करती है, लेकिन उसको धरातल पर अफसरशाही उतारती है। निकम्मी अफसरशाही किसी भी ईमानदार सरकार को पलीता लगा सकती है, मगर क्या इन अफसरों पर भी लगाम लगाने का काम सरकार का नहीं है? ये देखने वाली बात होगी कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम योगी अपने इन दावों के बल पर सरकार बना पाते हैं या नहीं। हमारे दावे के हिसाब से 100 में से तो 10% सच्चाई है, 90% झूठ है, और जो भी दावे किए गए हैं वो लगता अपने घर वाले शौचालय देख के दावे किए गए हैं, क्योंकि जो बसों पे, रेलवे पे जितने भी शौचालय बने हैं उनको तो देख के वो दावे झूठे ही साबित होंगे, क्योंकि अब उनके घर का शौचालय और बाहर ला शौचालय देख के तो झूठ ही है। तो आपको क्या क्या कमियां दिखाई देती हैं व्यवस्था में, स्वच्छता अभियान में उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनको देखकर आपको उनको दावे झूठा कह रहे हैं? क्योंकि अब आंखों देखा हाल ही है कि जब आएंगे तो देखेंगे आपके सामने ही है, क्योंकि शौचालय कोई अंडरग्राउंड में तो बने नहीं है, खुले में बने हैं, तो देख के पता चलता है कि हाल क्या है, सबको पता ही है, तो बस यही है। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने भी दावे कर रहे हैं वो हवा हवाई है? हाँ, हवा हवाई वाले ही हैं बस, और बाकी बैठ के, और हमारे हिसाब से इसमें और भी सुधार हो सकता था, तो और भी ज़्यादा बढ़िया। सुधार आपके हिसाब से करने चाहिए सरकार को? जो इन्होंने वर्कर्स रखे हैं उनको सही टाइमिंग और सही चीज़, जो भी सफाई सफाई जो शुरू में था, उसके बाद में जो बे बाई बे वो कम होता दिख रहा है, बस ये है। सोच ईमानदार काम दमदार, छा गई योगी सरकार, कुछ इन्हीं नारों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 4 साल के कार्यकाल का भी ब्यौरा पेश किया। इस ब्यौरे में उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान के सफल होने का दावा पेश किया। इन दावों की पड़ताल के लिए आज माई भारत की टीम निकली लखनऊ की सड़कों पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन परिसर में, जहाँ के शौचालयों का हाल आप खुद देख सकते हैं। इन शौचालयों की हालत देखकर क्या आपको लगता है कि क्या इसी को देखकर मोदी जी ने भारत को स्वच्छ बनाने का सपना देखा था? क्या यही मोदी के ख्वाबों की ताबीर है? कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं मेहंदी हसन, माई भारत, लखनऊ।